गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के अभी अभी हम उठे हैं और बज गए हैं 6। मैंने ब्रश वगैरह कर लिए, थोड़ा सा पापा थोड़ा सा क्या होता है, ब्रश कर लिया नहीं कर लिए ब्रश और पापा कर रहे हैं अभी। और आज हमें जाना है देहरादून और हमें पता नहीं हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। पराठा खाओगे और क्या खाओगे? कहाँ से पर मूर्थल मूर्थल नहीं आता रस्ते में, जो भी आपको कोई अच्छे से ढाबा मिलेगा वहाँ खिला देंगे रेस्टोरेंट। तो हम पराठे खाएंगे आलू के और फिर हम देहरादून जाएंगे, फिर देखेंगे फिर वहाँ पे क्या खाएंगे, फिर रात को क्या खाएंगे, यही है ना। तो देखेंगे क्या खाएंगे, खाएंगे क्या, घूमना नहीं है आपको क्या? घूमना, ये देखो केला आपने खा के देख लो, जरा ये देख लो नीरा, इसको फेंको केले को डस्टबिन में, छिलके को। देर हो गई ऑलरेडी 7 o'clock। हम रेडी हैं, रेडी तुम नहीं हुए, तुम देख लो तुम अभी भी अपनी कंगी कर रहे हो। मैं तुम आ गए नहीं, कैसी शर्ट है होमर नो क्या लिखा हुआ है, बियर बियर वाली है पर मैं पीता सही में नहीं। 7 बज गए निकलते निकलते, पापा ने कहा ही था कल ये दोनों लेट कराएंगे। पापा को बोल दो ना ये ब्लैक बैग ले लेंगे, आपने थैला ले लिया, ये बड़े वाला मैंने ले लिया, साइकिल हो गई अंदर, चलो आ जाओ। पानी कहाँ से गिरा हुआ है बाहर इतना? द सिम्पसन्स, ये कार्टून था कोई, क्या बग्स बनी अजीब कार्टून था, इसने प्रेडिक्शन करी थी इस कार्टून ने वर्ल्ड की। ये क्या है, बियर पीता रहता था ये कार्टून, ये क्या प्रेडिक्शन की थी कार्टून में? ऐसा था कि वायरस आएगा दुनिया में और वो आया भी है, कोरोना वायरस। अच्छा ऐसे किया था, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत प्रेडिक्शन। खैर निकलते निकलते थोड़ा लेट तो हो ही गया था, तो फाइनली हम चल पड़े देहरादून के लिए और रास्ते में मिलने वाला था हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है। हाँ लेफ्ट की तरफ जो जा रहे हैं वो मेनली जिम कॉर्बेट नैनीताल की तरफ और हम निकल गए सीधा, तो देहरादून मसूरी भी है ना, मसूरी के लिए भी तो सीधे जाना होगा, सीधे जाना होगा। अब आप वो हो गए लॉक हो गए, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। और अभी हमें टाइम कितना दिखा रहा है, 3 hours 53 minutes और दिखा रहा है, लेकिन ये टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि अभी हम ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। गाइस अभी हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए आ गए मालगाड़ी रेस्टोरेंट में, तो शायद हम यहाँ पे अभी आलू पराठा मालगाड़ी ढाबे पे खाने आ गए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, अभी हम देखेंगे क्या खाएंगे, हम पराठे खाएंगे, होपफुली पराठे ही खाएंगे, भूख तो लग गई है। 9:15 बज गए तो गाइस फाइनली मेरा आलू पराठा आ रहा है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बटर के साथ मिल रहा है एंड बहुत मज़ा आएगा खा के मस्त बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट के लिए आ गया था हमारा ऑल टाइम फेवरेट आलू प्याज पराठा विद बटर और चाय। हाँ जी काफ़ी अच्छा है। अच्छा वहाँ हमने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी हम पहुँच गए चीतल ग्रैंड जहाँ पे हमारा प्लान था कि हम यहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, काफ़ी फेमस है, लेकिन ये देखिए बहुत बुरे हाल है यहाँ पे, ट्रैफिक की ट्रैफिक और साथ ही में बहुत ज़्यादा पार्किंग भी बाहर तक आ रखी है, लोगों ने बाहर तक खड़ा किया हुआ है, कम से कम 1 घंटे का यहाँ पर पक्का वेटिंग रहेगा। नहीं ये गूगल हमेशा गलत क्यों बताती है, आपकी फ्रेंड तो नहीं है, कंफ्यूज करती रहती है हमें। ये देखो यहीं से मुड़ने को कह रही है, ठीक है यहीं से मुड़ना है ना, ये देख लो क्या है यहाँ पे, बताओ मुझे कहाँ मुड़े, कहाँ मुड़े बताओ, दुकानों के अंदर ये यहाँ पे, ये है यहाँ पे मुड़ने को कह रहा था, ये गली दिखा रहा है। चलो जी देहरादून हमने एंट्री ले ली है, क्यों हाँ तो एंट्री तो ले ली देहरादून, एंट्री शुरू तो हो गया कि नहीं हुआ, पहाड़ी खत्म होने के बाद। अच्छा जब पहाड़ी पे एंट्री ले ली हमने देहरादून की, बहुत सारे दोस्त मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखो मंकीज ही मंकीज, ये शायद नेशनल हाईवे बन रहा है जो सीधा देहरादून को कनेक्ट करेगा, एक्सप्रेसवे है ना। हाँ तो ये जो हम अभी पहाड़ी क्रॉस करके पहुँचेंगे तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा ये हमें देहरादून पहुँचा देगा, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे कम हो जाएंगे शायद, शायद 2-3 घंटे पहुँच ही जाएंगे। डील करें पापा, कैसी डील दिखाता हूँ रूम, तो सबसे पहले जो हम यहाँ
आते हैं हम अच्छी सी पेंटिंग दिखेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सोफा है, थोड़ा स्वीट जैसा बड़ा सा रूम है काफी, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सोफा है एक, उसके बाद यहाँ पे चेयर और टेबल है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे डाइनिंग टेबल टाइप कुछ दे रखा है, यहाँ पे तीन लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है अच्छे सामान रखने के, अच्छा आप ही रखना अपने हीरे जवाहरात, उसके नाम पे है आपका मोबाइल। इसके बाद यहाँ पे हम लगेज रख सकते हैं, यहाँ पे ये ड्रॉर्स वगैरह आई थिंक सो अंदर, नहीं रूम सही में बहुत बड़ा रूम है ये तो बात है, स्लाइडर वाला फ्रिज है जिसके अंदर कुछ सामान पड़ा नहीं है, नहीं है खाली होता है, खाली है रखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और ये बेड है, यहाँ पे टेबल सा है, और एक लैंप है उधर, फिर उसके बाद यहाँ पे टीवी, उसका रिमोट वगैरह है, सीट है, यहाँ पर मेन्यू है, उसके बाद ये भी एक सोफा टाइप सा है। अच्छा घर है, हटना नहीं, अच्छा है पूरा दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े मसूरी के पहाड़। नीर ने तो रूम टूर दे दिया, लेकिन वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रूम है ये, काफ़ी अगर यहाँ से देखें गैलरी है, और फिर लास्ट में जाके यहाँ पे भी सोफ़ा डाइनिंग टेबल एट्सेट्रा है, फिर सोफ़ा अगेन, फिर बेडरूम, तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा खुला रूम है यहाँ पे, और काफ़ी स्पेशियस है, बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है। ये हो गया वॉशरूम, सुनो इसको पिज़्ज़ा खिलाने का प्रॉमिस हो रखा था, वो खाना है उसको। दोनों क्या देखे जा रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, दोनों ही लगे हुए हो, मैंने अभी तक जो बोला कुछ सुनाई दिया दोनों को, ये येलो मैरीगोल्ड मिले कुछ तो अच्छा लग रहा। तो एज प्रॉमिस्ड नीर को हम ले आए हैं पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, ये बैठा हुआ खुश, एक पिज़्ज़ा लिख दो इसका, एक वो डिम सम्स लिख दो, कोल्ड कॉफ़ी लिख दो, ठीक है बाकी और देख लो। ये क्या मंगवा दिया इसने, गले का क्या होगा आपके। खैर नीर ने तो अपने लिए ऑर्डर कर दिया था स्ट्रॉबेरी शेक, हमने ऑर्डर की कोल्ड कॉफ़ीज़, और साथ ही में आ गए थे मोमोज़, और सही में कोल्ड कॉफ़ीज़ तो थी बहुत टेस्टी, लेकिन मोमोज़ लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेम्प्टिंग। बांस की फेल मोमोज बढ़िया, बहुत टेस्टी है नीर, बहुत बढ़िया। और एट लास्ट जिसका इंतज़ार था वो आ गया था, नीर के लिए पिज़्ज़ा, नीर पिज़्ज़ा के साथ अपना फोटो सेशन करवा रहे हैं। खैर सब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और माउथ वाटरिंग, बहुत अच्छा खाना था, देहरादून में शिफ्ट हो गई हद ही होती है वैसे। क्या है थोड़ी देर रेस्ट करके हम चल पड़े थे लच्छेवाला पार्क, जो है देहरादून से 30 मिनट्स की दूरी पे, लेकिन वहाँ जाके हमें हो गई थी डिसअपॉइंटमेंट, इसकी डिटेल्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।